नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। IRCTC के तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, जहाँ पर रेलवे विभाग ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। और ये बड़ी राहत प्री बुकिंग केटरिंग सर्विसेज को लेकर है, जहाँ पर अगर आप अपनी रेल यात्रा से पहले केटरिंग को लेकर प्री बुकिंग करते हैं, तो अब आपको ये जो सर्विस है उसके लिए महज चंद रुपए ही देने होंगे। साथ ही साथ IRCTC ने और भी दिशा निर्देश जारी किए हैं इस बाबत, और रेल यात्रियों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं नई आई है रेलवे विभाग की तरफ से, खान पान को लेकर क्या कुछ बातें रेलवे ने जारी की है, वो हम सारी जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में खान पान सर्विसेज पहले से बुक ना करने वाले यात्रियों को चाय कॉफी की रेट में काफी राहत दे दी है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को चाय और कॉफी महज 20 रुपए में ही मिलेगी, यानी उन्हें अब सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपए अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। पहले ये चाय कॉफी सर्विस चार्ज समेत 70 रुपए की पड़ती थी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रेनों में पहले से खान पान सर्विस बुक ना करने वाले यात्रियों से अब नए आदेश के तहत केटरिंग का चार्ज लिया जाएगा। आपको बताएं कि ट्रेनों में अगर यात्री खान पान सर्विस के बुकिंग टिकट के साथ नहीं करता है, तो उन्हें चलती ट्रेनों में खान पान ऑर्डर करने में महंगा पड़ता है। ट्रेनों में केटरिंग सर्विस से कोई भी चीज़ मंगाने पर 50 रुपए का सर्विस चार्ज देना पड़ता था, वो चीज़ चाहे 20 रुपए की हो या 200 रुपए की। इससे सेकेंड, थर्ड AC और चेयर कार में केवल चाय कॉफी का ऑर्डर देने वाले यात्रियों को ये काफ़ी महंगी पड़ती थी। उन्हें 20 रुपए की चाय कॉफी सर्विस चार्ज के साथ 70 रुपए की पड़ती थी। हालांकि अन्य चीज़ें पहले से खान पान सुविधा बुक ना करने वाले यात्रियों को महंगी पड़ेगी, इसलिए टिकट बुक कराते समय यात्रियों को खान पान सर्विसेज बुक कराना सस्ता रहेगा। आपको बताएं कि पिछले दिनों इस तरह का एक मामला मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को राहत देने का फैसला किया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड AC एवं चेयर कार में केटरिंग के चार्जेस अलग अलग है। ट्रेनों में केटरिंग की सर्विस उपलब्ध कराने वाली IRCTC अब नए आदेश के तहत यात्रियों से चार्ज वसूलेगी। अगर आप किसी सफ़र पर रेल के माध्यम से निकल रहे हों, तो आपको उस सफ़र के बीच खान पान की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाय कॉफ़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में IRCTC की तरफ से नया आदेश जारी हुआ है, जहां पर आपको पहले चाय और कॉफ़ी की सर्विस के लिए विथ टैक्स 70 रुपए पे करने पड़ते थे, जो कि काफ़ी महंगा पड़ जाता था। लेकिन अब वहीं रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे विभाग ने आदेश जारी किया है कि महज 20 रुपए में चाय और कॉफ़ी रेल यात्रियों को दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।